अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो सबसे खुशखबरी है कि हमारे इधर बारिश शुरू हो गई है और बारिश आ चुकी है। आप देख सकते हैं खेतों के अंदर पूरी फसल लग चुकी है। अभी जस्ट बारिश आके रुकी है, अभी थोड़ी सी हल्की सी धूप निकली है तो भी बारिश रुकी है और हल्का सा आप देख सकते हैं खेतों के अंदर पानी भी भरा हुआ है। तो सबसे सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये बारिश आ चुकी है और पानी बच चुका है, तो अब इसके हरा चारा काफ़ी मिल जाएगा हमारे बेहतरीन सोजत बकरियों के लिए और काफ़ी बेनिफिट रूख जिसके पौधे वगैरह वो भी अच्छा हो जाएंगे। और हमारा आप चेक करें, हम माशाल्लाह से हमारा असील मुर्गा काफ़ी बेहतरीन देख के खड़ा होकर देख रहा है और नीचे हमारी असील मुर्गी है और हमारे कुछ कबूतर वगैरह भी आप शायद आपको मैंने नहीं दिखाए हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे। और बाकी आप चेक करें हमारी सोजत बकरियों को कैसी है, क्योंकि मैंने ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूँ, ज़्यादा जानकारी नहीं है पर जितनी है उससे मैंने ये परचेस करके लाया हूँ। आप देख एक पीछे देखा सब बिल्कुल शानदार, आप देख सकते फुल फुल लंबे कानों के अंदर बकरी बैठी हुई है, शानदार एक से बढ़ के रहे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे आपको पहले बात करें कि हमने जैसा आपको बताया था कुछ समय पहले कि हमारे पास 3 बकरे हैं जो हमें सेल करने हैं। तो आप देखते हैं सबसे पहला ये बकरा, दूसरा ये वाला और तीसरा वो अंदर की तरफ है जो उसकी, ये देख सकते हैं ये दोनों भाई बहन है, तो ये उधर है और ये मतलब अंडूल है, वो दोनों कैची है, ये वाला एक अंदर की तरफ वो कैची है दोनों में। तो ये सबसे बात तो है कि हमारी सोजत बकरी आप देख सकते हैं, एक तो ये है भरी हुई है, प्रेग्नेंट है, ये आप सिरोई में थोड़ी सी सिरोई में देख रहे हो आप, ये क्या सिरोई नहीं ये उसमें है, गुजरी बकरी में है। तो ये मतलब 51 है और एक पीछे वो हमारी रेड देसी बकरी है वो 51 है और अभी हमारी एक ये वाली है ये क्रॉसिंग पे आई हुई, पर अभी इसको क्रॉस नहीं करवाया है, इसका बच्चा ही है ये वाला पास में जो हमारी अगली माशाल्लाह अल्लाह के रहमो करम से अगली ईद को अपन इसको 2025 के अंदर इसको कुर्बानी करेंगे इस बकरे की। और हमारे दूसरे बकरे की आप चेक करें, आप पीछे देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल वाइट खुरों में, वाइट सींगों में, बिल्कुल गुलाबी में बकरा आप चेक करें। तो ये फोल्ड वाले कानों के अंदर है, आप ये खुले कान देख आप देख रहे हैं कान छोटे हैं पर ये फोल्ड कानों के अंदर है इसलिए आपको थोड़ा छोटे कान लगते होंगे। तो आप देख सकते हैं तो ये अभी हमारी चर है, कैसे इसको हरा चारा डाला हुआ है क्योंकि ला के डाला है मैंने, इसको बाहर नहीं निकाला भाई, काफ़ी हरा चारा हो चुका है पर हमने इसको यही हरा चारा ला के डाला है और काफ़ी शौक़ से खा रही है, वो बकरी खा रही है, खा रही है। और वो बेटी यार वो थोड़ी इसकी क्या थोड़ी क्या बारिश में आपको पता है काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है जानवरों की, तो वो इसी प्रॉब्लम का शिकार है वो, तो इसलिए थोड़ी बेटी वह खाना पीना अच्छा कर रही है, वो थोड़ी देर बाद में खा लेगी, बारिश आई थी अभी थोड़ी देर पहले तो पी गई है तो थोड़ी इसलिए स्वस्थ लग रही है आपको। बाकी आप चेक करें माशाल्लाह से हमारा ये बकरा है काफ़ी बेहतरीन है, इसको भी सेल कर देंगे जिसको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में तनप भी इसे बिल्कुल प्योर आप चेक करें, पूरा वाइट आप कहीं भी दाग नहीं आप चेक करें माशा पूरा दाग है। ये अभी क्रॉसिंग कर रहा है पर इसको रोका हुआ है, क्रॉसिंग करवा सकते हैं चाहिए तो पर नहीं करवाएंगे, अभी काफ़ी छोटा है पर क्रॉसिंग पर आ चुका है। तो बाकी आप हमारे माशाल्लाह से हमारी ये बकरी को चेक करें काफ़ी बेहतरीन देखें आप, सबसे बढ़िया से बढ़िया काफ़ी बेहतरीन देसी बकरियों के साथ कुछ और इंक्लूड करेंगे हमारे जानवर इसके अंदर ताकि ब्रीडिंग भी अच्छा हमारा फार्म जैसे ये बनाए हुए हैं, रात भर इसके अंदर रहती है इनका जब ये पूरा इसमें तो कबूतर है तो बिल्ली खतरा रहता है इसलिए उसको बंद रखते हैं, रात को सिर्फ खोल के अंदर डालते हैं। और बाकी उसके अलावा इधर वाला पूरा खुला रहता है ताकि ये अपना घूम फिरती रहती है, जैसे धूप होती है कीचे होते अंदर छाँव में बैठ जाती है बाकी बाहर रहती है। और कुछ इसमें बस किसी भाई के पास सिरोई बकरी अगर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि हमें थोड़ी परचेज़ वगैरह करनी है, सिरोई में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, सोजे तो हमने रखी हुई है देख सकते हैं। अगली हम क्या है छोटा फार्म शुरू कर रहे हैं अभी एक साथ, क्योंकि बकरी अगर आप सोजे लेंगे तो 30-35-40 हज़ार की आएगी तो उसमें काफ़ी नुकसान होने का डर होता है कि बकरी है जानवर है किसी कुछ हो जाए अपन कह नहीं सकते, तो इसलिए मैं कुछ छोटी छोटी बकरियाँ लेके आया था कि ये हमें थोड़ी कम रेट से भी मिली है और कुछ अच्छा प्रॉफिट देगी हमें, इसको 7 से 8 महीना रखना पड़ेगा पता ही नहीं चलेगा और ये जल्दी बड़ी हो जाएगी, फिर इसको क्रॉसिंग पे डाल देंगे, इसको इसलिए बांध रखा हुआ है ताकि ये भी क्रॉसिंग पे है पर इसको क्रॉस नहीं करवा सकते हैं क्योंकि इनकी साइज़ वगैरह छोटी रह जाएगी, इसीलिए हमने इसको रखा हुआ ताकि ये इसको बांध के रखा है तो अभी क्रॉस वगैरह नहीं होगी, बकरा भी एक साइड रहेगा तो काफ़ी बेहतरीन। तो आप इस माशाल्लाह मेरी बकरी चेक करें नीचे बेहतरीन चोटी भी है नीचे आ रही है इसके माशाल्लाह बेहतरीन है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करता कि हमारा आने वाले हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। खुदा हाफिज़, मिलते अगली वीडियो पर, जरूर बताना कि हमारे जानवर आपको कैसे लगे, खुदा हाफिज़, मिलते अगली।